डूम यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षु वापस से जंप करके यहाँ पर मेड की तरफ पहुंच चुके हैं, मेड वेयर हाउस की तरफ, और एक चौथे के साथ ड्रॉप शॉट जो लिया था पंक ने काफी बेहतरीन, और 102 फिनिश पॉइंट के साथ यहाँ स्टार्ट करते हुए आरती के साथ धमाका यहाँ पंक जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बैक टू बैक फिनिशेस निकालने की जरूरत, और लीजिए यहाँ लिंक करते हैं, काफी बेहतरीन स्नाइपिंग करते हैं अभी के लिए। जब टीडीएम की बात आ जाए तो यहाँ आईजीएल लेंगे, यहाँ स्नाइपिंग तो आप नहीं कर सकते जी, बैठाकर आप यहाँ फाइट ले सकते हैं, सामने वाले प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके के स्प्रेस के साथ यहाँ सामने वाले प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं, 1v2 का आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत जिस तरह से कर वो जो रीस्टार्ट होने से पहले थी वो काफी अच्छी करी थी, लेकिन 7-2 की लीड ये टीम अक्षु के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। पंक आगे बढ़ रहे हैं, इमॉर्टल का भी उनको साथ यहाँ पर मिल रहा है, एंड साथ में सका देंगे 6 फिनिश वहां पर पंक अकेले के। ऑब्वियसली उनका जो गेम प्ले है वो काफी शानदार है, कुछ इस तरीके से हेडशॉट लेते हैं और हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, और उसी के साथ एक 1v2 करके चले जाते हैं, इसी है वो नेक्स्ट लेवल का है। और अक्षु ओपी सामने देखने को मिल रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से हवा में ही उन्हें फिनिश कर दिया गया है। विश्वास नहीं है, वो बोलते हैं मैं एक बार निकलूंगा तो 4-5 फिनिश लेकर ही आऊंगा वापस, 2 से कुछ नहीं होने वाला है मेरा। प्लांट बोरिंग करते हुए दिख रहे हैं, देखिए क्या ही शानदार गेम प्ले है इनका। अब यहाँ 1v2 सिचुएशन वापस से देखने को मिलती है, अक्षु ओपी वापस कंटेनर के ऊपर नजर आ रहे हैं, बट इस 1v2 में यहाँ हेडशॉट जरूर उन्होंने एक कनेक्ट करवाया था, बट उसी के साथ उन्हें बाहर किया जा चुका है। तो यही चीज चल रही है, अगर आप पंकु डाउन करना चाहते हैं तो सिचुएशन आप 1v2 की क्रिएट कीजिए, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कंटेनर्स के बिहाइंड में करी थी वहाँ पर टीम अक्षु ने, मतलब 2 प्लेयर्स को आपको एक साथ उनके लाना पड़ेगा। यहाँ पर भी काफी अच्छा था, लेकिन इस बार पहले ही भाग चुके थे कि वो इस बार प्रोन रहने वाले हैं। ये चीज जो एंटीसिपेशन वाला गेम है आपको दिखाना पड़ेगा, रिएक्शन टाइम आपका फास्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्स आपके बहुत फास्ट होने चाहिए, तभी वो एक चैलेंज के लिए। अगर देखा इमॉर्टल बेशक ज्यादा देखिए फिनिश निकाल पाए तो उस चीज पे आप फोकस कर सकते हैं, उस खिलाड़ी के ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं, और देखिए किस तरह से बढ़ा, लेकिन पंक आ जाएंगे और दोनों को ही यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, काफी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ दिखा रहे हैं पंक की टीम, बहुत ही बढ़िया, एक्सो की टीम काफी शानदार, एंड 10 पॉइंट का लीड ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और ये जो लीड है ये बढ़ने ही वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आती चली जा रही है। और अगर हम बात करें अक्षु से, जब आप इस लेवल का गेम प्ले देखते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं उस वार्म अप की जरूरत पड़ती है, आप बैक टू बैक जब उसी सेम प्लेयर से फाइट लेते हैं तो फिर फिनिशेस यहाँ पंक ने अकेले निकाल लिए, 21 में से 16 पंक के ही रहेंगे, और यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है टीम, बैक टू बैक फिनिशेस अक्षु की टीम अब मुश्किलों में नजर आती है। डूमो भी अभी के लिए अपने आपको कंटेनर्स के पीछे रखते हुए, क्योंकि उन्हें पता है पंक है सामने, कवर से बाहर निकलना एक गलती रहेगी, और इंस्टेंटली एक हेडशॉट कनेक्ट करवा देते हैं पंक जब आपको अंदाजा भी नहीं लग पाता, और एक 1v2 इंस्टेंटली करके जाते हुए हो चुकी मेरे ख्याल से। अभी भी अगर आप देखेंगे वापसी करना चाहते तो लगातार फिनिश निकाले, लेकिन पंक जिस स्टाइल से खेल रहे हैं आई गेस उनको रोक पाना काफी मुश्किल है। हील यहाँ पर रिकवरी करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, बट उसकी जरूरत ही नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे 10 HP प्लस अगेंस्ट वर्सेस 50-60 HP वो कोई मायने रखने वाली, अब यहाँ पर उनका हेल्थ रीगेन हो जाएगा नो डाउट, बट क्या अक्षु को तैयार, अक्षु तैयार है कि नहीं उस चीज के लिए, अक्षु को पता है उनकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर, लेकिन इमॉर्टल जिस तरह का साथ दे रहे हैं आप ये देखिए आगे जरूर बढ़ेंगे, इमॉर्टल किल मिल जाएगा बेशक। हाँ अक्षु की टीम अब थोड़ी मुश्किलों में अपने आप को पा रही है, उन्हें पता चल चुका है ये अब यहाँ से या तो कमबैक होगा या तो फिर हम यहाँ से अगले दावेदार नहीं बन सकते, आगे बढ़ने के अगले पड़ाव तक नहीं पहुंच सकते, और अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही पड़ेगा। 11 पॉइंट्स की लीड है, की कोशिश है, काफी ज्यादा मुश्किल सिनेरियो यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, बट उसी के साथ एक हेडशॉट का कनेक्शन और बैक टू बैक हेड्स कनेक्ट हो रहे हैं, बैक टू बैक प्लेयर्स को फिनिश ऑफ किया जा रहा है, 1v2 तो बिल्कुल आराम से करते हुए दिख रहे हैं, लीड से आप लीड बनाती चली जा रही है। अक्षु ओपी सामने है, डूम देखने को मिल जाएंगे, वही 1v2 सिनेरियो रहेगा जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपको पंक को फिनिश करना है तो कुछ इस तरीके से आपको दो दो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भी अक्षु की जो टीम है यहाँ पर रिकवरी कर सकती है, मतलब ऊपर आती हुई नजर आ सकती है। कुछ भी पॉसिबल, देखिए अभी के लिए मुझे मुश्किल ही नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह का प्ले स्टाइल यहाँ पर टीम एक्सो खेल रही है, टीम अक्षु के पास कोई मतलब रिप्लाई नहीं है। अगर एक जगह इसको इक्वलाइजर लेकर आना है देन आपको रीड क्रिएट करनी है, अगर आपको मतलब राउंड ऑफ सेकंड मतलब जो सेकंड राउंड की तरफ अगर आपको बढ़ना है, तो जो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर वो मौका दे रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी रीड है वो फासला बन चुका है। 2 मिनट का समय, एक जड़ी से बोल सकते हैं 1.5 मिनट का समय यहाँ पर बच चुके हैं, पंक आगे जरूर बढ़ेंगे, क्षमता रखते हैं यहाँ पर 1v2 निकालने के, लेकिन एक 1v1 तो निकाला जरूर, लेकिन डू ओपी अच्छी बात ये रही कि वो सही वक्त पे अपने आप को होल्ड कर, जोड़ी काफी शानदार हमें देखने को मिल रही है।
यहाँ बिल्कुल क्लासिक में तो इनकी जोड़ी जमती जमती है, बट साथ ही साथ टीडीएम में भी जमती हुई दिख रही है और बैक टू बैक फिनिशेस इमॉर्टल भी निकालते ही चले जा रहे हैं। तो क्या इन्होंने हमारी बातें सुन ली है, 40 का आंकड़ा क्या हमारी बात सुन के ये छूना चाहते हैं? यहाँ मुझे लग जरूर रहा है क्योंकि अब यहाँ कोशिश कर रहे हैं 40 की तरफ पहुंचने की। 36 ऑलरेडी यहाँ पर निकाले जा चुके हैं, सिर्फ और 4 पॉइंट्स की जरूरत है और अब 1 मिनट का समय। क्या 1 मिनट में ये 4 पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं? कोशिश करेंगे, इमॉर्टल को पिक किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंकी लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज है, उनकी तरफ भी बढ़ा जाएगा, उनकी तरफ भी आगे बढ़कर उन्हें भी डाउन करने की कोशिश करेंगे। और लीजिए कामयाबी मिल चुकी है और अब समय कम ही रहेगा यहाँ पर प्लेयर्स के पास, बट उसी के साथ यहाँ इमॉर्टल कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ दो दो प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ रही है एक्सो की टीम, अब वो सोलो जाना प्रेफर नहीं कर रहे, वो जहां भी बढ़ रहे हैं दो दो प्लेयर्स के साथ बढ़ रहे हैं और उसका फायदा अब उन्हें हो रहा है। यही सेम स्ट्रेटजी अगर स्टार्टिंग से देखने को हमें मिल जाती तो शायद कुछ बेहतरीन कमाल का यहाँ एंड निकल कर आ सकता था अक्षु की टीम के लिए, या फिर इतना बड़ा लीड नहीं बनाया जा सकता था। बट अब सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है एंड वो 1 पॉइंट के साथ ये मैच यहाँ खत्म होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, एक हल्का सा भी अगर पिक्सल उनका दिख जाएगा अगर आप देखेंगे, एक बहुत ही मैच पे सर्वाइव कर रहे हैं, फ्री फायर करेंगे पंक को, वो इजिली फिनिश मिल जाएगा।